वेलकम टू माई चैनल सीड रोजी. आई एम रोजी. आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे. आज का जो वीडियो है वो वीडियो है अमायरा के बर्थडे में कुछ गिफ्ट मिला है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करूँ. आप लोग के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ. अमायरा का जो बर्थडे था 2 अक्टूबर का था, उसका ब्लॉग मैंने डाला है. अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. तो चलिए देखते हैं उनके बर्थडे में क्या क्या मिला है. एक्चुअली 2 अक्टूबर को ही उनका बर्थडे था, बट मुझे शूट करने में थोड़ी लेट हो गई. बहुत ज़्यादा बिजी थी इधर, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही थी. फाइनली मैं फ्री हुई हूँ, तो सोचा चलो पहले वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद ही कुछ और करूँगी. ट्राई करूँगी कि रेगुलर मैं वीडियो अपडेट करती रहूँ. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो सबसे पहले जो गिफ्ट मैं दिखाने वाली हूँ वो मैंने दिया है अमायरा को, तो सबसे पहले मैं वो दिखा दे रही हूँ आपको. वो मैंने जो अमायरा को दिया था, ये मैंने जो अमायरा को दिया था ये फ्रॉक दिया था. आप देख सकते हैं आपने अगर बर्थडे ये फ्रॉक दिया था मैंने. अगर आपने बर्थडे का ब्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसने यही वाली फ्रॉक पहनी थी. बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है ये. मैंने ऑफलाइन ही लिया था, ऑनलाइन नहीं लिया था. बहुत ही प्यारा सा यहाँ मोती का वर्क दिया हुआ है. आप देख सकते हो पूरे हाथ में आपको पूरा मोती का वर्क मिल जाएगा. और यहाँ पे रोज़ लगा हुआ है, और यहाँ पे रोज़ लगा हुआ है. एंड ये पूरा प्रिंटेड है, और यहाँ पे आपको फिर मोती मिल जाता है. मोती का पूरा इसमें भी वर्क दिया हुआ है. बहुत ही प्रीटी लगा मुझे ड्रेस ये. मुझे एक नज़र में ये पसंद आ गया, तो मैंने ये ले लिया उसके लिए. एक्चुअली मैंने ऑनलाइन मंगाया था उसका फ्रॉक, बट वो मुझे प्राइस के हिसाब से मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा, और फिर तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया. और नेक्स्ट डे ही कुरियर वाला आ गया, इस वजह से मैं उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई. और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैं ऑनलाइन नहीं मंगा सकती थी, इसलिए मैंने फिर सोचा कि ऑफलाइन ही मंगा लेती हूँ. और बहुत ही प्यारा सा मुझे ये फ्रॉक मिल गया, आप लोग देख सकते हो. और उन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. सो ये मैंने गिफ्ट किया था उसे. उसके बाद जो है ये है एक प्यारा सा सूज, जिसे मेरी सिस्टर अमायरा की मासी ने उसे गिफ्ट किया था. एक्चुअली जो मेरा ड्रेस था वो रेड और वाइट में था, तो मैंने उनका जो ड्रेस था वो पूरा वाइट था, तो मैंने क्या किया एक रेड कलर का फ्लावर उसमें लगा दिया था. एंड मैंने जो भी मैचिंग जैसे शूज हो गया, हेयर बैंड हो गया, ये सब मैंने रेड एंड वाइट में ही रखा था. तो उसके हिसाब से उनकी मासी ने ये वाली शूज उसको भेजी कि बर्थडे पर ही पहनाना. अब देख सकते हो कितना क्यूट सा शूज है, और ये भी उसने ऑफलाइन ही लिया था. और मेरी जो थर्ड वाली सिस्टर है उनका गिफ्ट अभी तक नहीं मिला है. उन्होंने अजियो से कुछ स्वेटर ऑर्डर किया है, बट वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ. जैसे ही वो मुझे रिसीव होगा मैं आप लोगों को ज़रूर वो भी दिखाऊंगी. उसके बाद जो है एक उनके जो चाचू हैं उन्होंने एक क्यूट सा डॉगी गिफ्ट किया उनके लिए. आप देख सकते हो कितना सा क्यूटू है ये, कितना क्यूट सा डॉगी है ये. बहुत ही क्यूट है, और बच्चे को तो ऐसी टॉय बहुत ज़्यादा पसंद है, और अमायरा को बहुत अच्छा लगा ये वाली. एक और चाचू है जो उन्होंने ये वाली गिफ्ट दी थी, आप इस देख सकते हो. बहुत ही खूबसूरत सा है ये. इस पर ना यहाँ पे आपको कार्टून बना हुआ है पूरे में, जिसे अमायरा देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है. बहुत ज़्यादा प्यारा भी है ये, और अमायरा को ज़्यादा अच्छा भी लगता है ये सब सारे टॉय. उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड के जो मामा जी हैं उन्होंने ये एक म्यूज़िक सेट दिया था. देख सकते हो कितना प्यारा सा एलिफेंट बना हुआ है, और यहाँ पे ये म्यूज़िक का है, जिसपे एक बजाने वाला भी दिया हुआ था, बट अमायरा ने उसे कहीं गुम कर दिया है, इसलिए मैं ये आप लोगों को सिर्फ ये दिखा रही हूँ. आप देख सकते हो, आप लोग जानती हो बच्चे कितने शैतान होते हैं, उन्हें बस टॉय चाहिए, उसके बाद अगले दिन ही वो या तो टूट जाएंगे या कुछ गुम हो जाएंगे. ऐसा अमायरा हमेशा करती रहती है. तो आप लोग देख लीजिए कितना प्यारा सा है ये. उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है और अमायरा के चाचू हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारा एक फ़ोटो फ्रेम दिया है. सो अमायरा के चाचू ने ये वाली फ़ोटो फ्रेम उन्हें गिफ्ट किया. आप देख सकते हो कितना अच्छे से इनके पूरा फ़ोटो लगा हुआ है इस पर. ये जो जितनी भी है ये सारी वुड की बनी हुई है, और यहाँ पे अमायरा लिखा हुआ है. आप लोगों को थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ, बट बहुत ही खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो.
इन्होंने जो ये गिफ्ट किया था ये अमेजोन से किया था। अगर इसका लिंक मुझे मिला तो आप लोगों को ज़रूर दूंगी। अगर किसी को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हो तो आप लोग ये दे सकते हो। बहुत ही प्यारा सा है ये फ़ोटो फ्रेम, देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ फ़ोटो लगाया गया है, अमायरा का, मेरा, मेरे हस्बैंड और अमायरा का। और उन्होंने जो जो फ़ोटो इसमें डाला है ना, बहुत चूज़ करके फ़ोटो इसमें डाला है, बहुत क्यूट क्यूट वाली फ़ोटो इसमें दिया है। अगर इसका लिंक मुझे मिला तो आप लोगों को ज़रूर मैं प्रोवाइड करूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है वो अगर मेरा टाइटल क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑफलाइन ही ली है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन ली है। उसके बाद जो है अमायरा की बुआ ने एक स्टडी टेबल दिया है। अमायरा तो अभी छोटी है बट हाँ आगे जाकर उनके उनको ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं अमायरा को जो टेबल दिए उनकी बुआ ने दिया है वो। सो ये है वो स्टडी टेबल, देख सकते हैं आप लोग। ये जो है उसका टेबल है, आप लोग देख सकते हो कितना छोटे छोटे सा कार्टून का पिक्चर बना हुआ है और इस पर पोएम भी एक था, पोएम भी लिखा हुआ है। और बहुत छोटू सा टेबल है और बहुत क्यूट लग रहा है। और उसके बाद एक छोटू सा चेयर भी है इसके साथ, देख सकते हो कितना छोटू सा चेयर है। और इस पर भी आपको पिक्चर, उस पर कार्टून का पिक्चर बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, रेड कलर में है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये स्टडी टेबल आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑनलाइन अगर कोई लिंक मिला तो मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन मैंने बाय किया था। तो ये था कुछ गिफ्ट जो मेरे घर वालों ने दिया है। और कैश बहुत सारे लोगों ने कैश दिया तो वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, बट हाँ जो भी गिफ्ट मुझे मिले बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले और अमायरा को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।